लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 30। रात के 3 बज चुके थे। रतन आधी रात के बाद आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे झपकियां ले रही थी कि सहसा वकील साहब के गले का खर्राटा सुनकर चौंक पड़ी। उल्टी सांसें चल रही थी। वह उनके सिरहाने चरपाई पर बैठ गई और उनका सिर उठाकर अपनी जांघ पर रख ली। अभी न जाने कितनी रात बाकी है। मेज पर रखी हुई छोटी घड़ी की ओर देखा। अभी 3 बजे थे। सवेरा होने में 4 घंटे की देर थी। कविराज कहीं 9 बजे आवेंगे, यह सोचकर वह हताश हो गई। अभागनी रात क्या अपना काला मुंह लेकर विदा न होगी? मालूम होता है एक युग हो गया। कई मिनट के बाद वकील साहब की सांस रुकी। सारी देह पसीने में तर थी। हाथ से रतन को हट जाने का इशारा किया और तकिए पर सिर रखकर फिर आंखें बंद कर एकाएक उन्होंने छिन स्वर में कहा, रतन रतन, अब विदाई का समय आ गया, मेरे अपराध। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ और उसकी ओर दीन याचना की आंखों से देख कुछ कहना चाहते थे पर मुंह से आवाज न निकली। रतन ने चीख कर कहा, तिमल महाराज, क्या दोनों मर गए? महाराज ने आकर कहा, मैं सोया थोड़े ही था बाबूजी। क्या क्या बाबूजी? रतन ने डांट कर कहा, बाको मत, जाकर कविराज को बुला लाओ, कहना अभी चलिए। महाराज ने तुरंत अपना पुराना ओवरकोट पहना, सोटा उठाया और चल दिया। रतन उठकर स्टोव जलाने लगी कि शायद सेक से कुछ फायदा हो। उसकी सारी घबराहट, सारी दुर्बलता, सारा शोक मानो लुप्त हो गया। उसकी जगह एक प्रबल आत्मनिर्भरता का उदय हुआ। कठोर कर्तव्य ने उसके सारे अस्तित्व को सचेत कर दिया। स्टोव जलाकर उसने रूई के गाले से छाती को सेकना शुरू किया। कोई 15 मिनट तक ताबड़तोड़ सेकने के बाद वकील साहब की सांस कुछ थमी, आवाज काबू में हुई। रतन के दोनों हाथ अपने गालों पर रख कर बोले, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है मुन्नी। क्या जानता था इतना जल्द यह समय आ जाएगा। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है प्रिये। उफ, इतना बड़ा अन्याय! मन की सारी लालसा मन में रह गई। मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया, क्षमा करना। यही अंतिम शब्द थे जो उनके मुख से निकले। यही जीवन का अंतिम सूत्र था। यही मोह का अंतिम बंधन था। रतन ने द्वार की ओर देखा। अभी तक महाराज का पता ना था। हाँ, तीमल खड़ा था और सामने अथाह अंधकार जैसे अपने जीवन की अंतिम वेदना से मूर्छित पड़ा था। रतन ने कहा, तीमल जरा पानी गरम करोगे? तीमल ने वहीं खड़े खड़े कहा, पानी गरम करके क्या करोगी बहूजी? गोदान करा दो, 2 बूंद गंगा जल मुंह में डाल दो। रतन ने पति की छाती पर हाथ रखा। छाती गरम थी। उसने फिर द्वार की ओर ताका। महाराज ना दिखाई दिए। वह अब भी सोच रही थी, कभी राज जी आते तो शायद इनकी हालत संभल जाती। पछता रही थी कि इन्हें यहाँ क्यों लाई। कदाचित रास्ते की तकलीफ और जलवायु ने बीमारी को असाध्य कर दिया। यह भी पछतावा हो रहा था कि मैं संध्या समय घूमने क्यों चली गई। शायद इतनी ही देर में इन्हें ठंड लग गई। जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवा और क्या है? पछतावे की एक दो बात थी। इस 8 साल के जीवन में मैंने पति को क्या आराम पहुंचाया?
वह 12 बजे रात तक कानूनी पुस्तकें देखते रहते थे। मैं पढ़ी सोती रहती थी। वह संध्या समय भी मुवक्किलों के सामने की बातें करते थे। मैं पार्क और सिनेमा की सैर करती थी, बाजारों में मटरगश्ती करती थी। मैंने इन्हें धनोपार्जन के एक यंत्र के सिवा और क्या समझा? यह कितना चाहते थे कि मैं इनके साथ बैठूं और बातें करूं, पर मैं भागती फिरती थी। मैंने कभी इनके हृदय के समीप जाने की चेष्टा नहीं की, कभी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा। अपने घर में दीपक न जलाकर दूसरों के उजाले ही कभी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा। अपने घर में दीपक न जलाकर दूसरों के उजाले घर का आनंद उठाते, फिर मनोरंजन के सिवा मुझे और कुछ सूझता ही न था। विलास और मनोरंजन, यही मेरे जीवन के दो लक्ष्य थे। अपने जले हुए दिल को इस तरह शांत करके मैं संतुष्ट थी। खीर और मलाई की थाली क्यों ना मुझे मिली। इस क्षोभ में मैंने अपनी रोटियों को लात मार दी। आज रतन को उस प्रेम का पूर्ण परिचय मिला जो इस विदा होने वाली आत्मा को उससे था। वह इस समय भी उसी की चिंता में मगन थी। रतन के लिए जीवन में फिर भी कुछ आनंद था, कुछ रुचि थी, कुछ उत्साह था। उनके लिए जीवन में कौन सा सुख था? न खाने पीने का सुख, न मेले तमाशे का शौक। जीवन क्या एक दीर्घ तपस्या थी जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य का पालन था। क्या रतन उनका जीवन सुखी न बना सकती थी? क्या एक क्षण के लिए कठोर कर्तव्य की चिंताओं से उन्हें मुक्त न कर सकती थी? कौन कह सकता है कि विराम और विश्राम से यह बुझने वाला दीपक कुछ दिन और न प्रकाशमान रहता? लेकिन उसने कभी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य ही न समझा। उसकी अंतरात्मा सदैव विद्रोह करती रही, केवल इसलिए कि इससे मेरा संबंध क्यों हुआ? क्या इस विषय में सारा अपराध इन्हीं का था? कौन कह सकता है कि दरिद्र माता पिता ने मेरी और भी दुर्गति न की होती? जवान आदमी भी सब के सब क्या आदर्श ही होते हैं? उनमें भी तो व्यभिचारी, क्रोधी, शराबी सभी तरह के होते हैं। कौन कह सकता है इस समय मैं किस दशा में होती? रतन का एक एक रोआ इस समय उसका तिरस्कार कर रहा था। उसने पति के शीतल चरणों पर सिर झुका लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। वह सारे कठोर भाव जो बराबर उसके मन में उठते रहते थे, वह सारे कटु वचन जो उसने जल जल कर उन्हें कहे थे, इस समय सैकड़ों बिच्छुओं के समान उसे डंक मार रहे थे। हाय, मेरा यह व्यवहार उस प्राणी के साथ था जो सागर की भांति गंभीर था। इस हृदय में कितनी कोमलता थी, कितनी उदारता। मैं एक बीड़ा पान दे देती थी तो कितना प्रसन्न हो जाते थे। जरा हंस कर बोल देती थी तो कितने तृप्त हो जाते थे। पर मुझसे इतना भी न होता था। इन बातों को याद कर करके उसका हृदय फटा जाता था। उन चरणों पर सिर रखे हुए उसे प्रबल आकांक्षा हो रही थी कि मेरे प्राण इसी क्षण निकल जाए। उन चरणों को मस्तक से स्पर्श करके उसके हृदय में इतना अनुराग उमड़ा आता था मानो एक युग की संचित निधि को वह आज ही इसी क्षण लुटा देगी। मृत्यु की दिव्य ज्योति के सम्मुख उसके अंदर का सारा मालिन्य, सारी दुर्भावना, सारा विद्रोह मिट गया था। वकील साहब की आंखें खुली हुई थी, पर मुख पर किसी भाव का चिन्ह न था। रतन की विहलता भी अब उनकी बूझती हुई चेतना को प्रदीप्त न कर सकती थी। हर्ष और शोक के बंधन से वह मुक्त हो गए थे। कोई रोए तो गम नहीं, हंसे तो खुशी नहीं। तीमल ने आचमनी में गंगा जल लेकर उनके मुंह में डाल दिया। आज उन्होंने कुछ बाधा न दी। वह जो पाखंडों और रूढ़ियों का शत्रु था इस समय शांत हो गया था। इसलिए नहीं कि उसमें धार्मिक विश्वास का उदय हो गया था, बल्कि इसलिए
कि उसमें अब कोई इच्छा न थी। इतनी ही उदासीनता से वह विष का घूंट भी पी जाता। मानव जीवन का सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। वह विश्व का एक महान अंग, वह महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर, वह उद्योग का अनंत भंडार, वह प्रेम और द्वेष, सुख और दुख का लीला क्षेत्र, वह बुद्धि और बल की रंगभूमि न जाने कब और कहां लीन हो जाती। किसी को खबर नहीं होती, एक हिचकी भी नहीं, एक उच्छ्वास भी नहीं, एक आह भी नहीं निकलती। सागर की हिलोरों का कहां अंत होता है कौन बता सकता है? ध्वनि कहां वायुमग्न हो जाती है कौन जानता है? मानवीय जीवन उस हिलोर के सिवा, उस ध्वनि के सिवा और क्या है? उसका अवसान भी उतना ही शांत, उतना ही अदृश्य हो तो क्या आश्चर्य है? भूतों के भक्त पूछते हैं, क्या वस्तु निकल गई? कोई विज्ञान का उपासक कहता है, एक क्षण ज्योति निकल जाती है। कपोल विज्ञान के पुजारी कहते हैं, आंखों के प्राण निकले, मुंह से निकले, ब्रह्मांड से निकले। कोई उनसे पूछे, हिलोर लय होते समय क्या चमक उठती है? ध्वनि लीन होते समय क्या मूर्तिमान हो जाती है? यह उस अनंत यात्रा का एक विश्राम मात्र है, जहाँ यात्रा का अंत नहीं, नया उत्थान होता है। कितना महान परिवर्तन! वह जो मच्छर के डंक को सहन न कर सकता, अब उसे चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे अग्नि चिता पर रख दो, उसके माथे पर बल तक न पड़ेगा। तीमल ने वकील साहब के मुख की ओर देखकर कहा, बहू जी आइए खाट से उतार दे, मालिक चले गए। यह कहकर वह भूमि पर बैठ गए और दोनों आंखों पर हाथ रख कर फूट फूट कर रोने लगे। आज 30 वर्ष का साथ छूट गया, उसने कभी आधी बात नहीं कही, कभी तू करके नहीं पुकारा। वह मालिक अब उसे छोड़े चला जा रहा। रतन अभी तक कविराज की बांट जो रही थी। तीमल के मुख से यह शब्द सुनकर उसे धक्का सा लगा। उसने उठकर पति की छाती पर हाथ रखा। 60 वर्ष तक अविश्राम गति से चलने के बाद वह अब विश्राम कर रही थी। फिर उसे माथे पर हाथ रखने की हिम्मत न पड़ी। उस देह को स्पर्श करते हुए, उस मरे हुए मुख की ओर ताकते हुए उसे ऐसा विराग हो रहा था जो ग्लानि से मिलता था। अभी जिन चरणों पर सिर रखकर वह रोई थी, उसे छूते हुए उसकी उंगलियां कटी सी जाती थी। जीवन सूत्र इतना कोमल है, उसने कभी न समझा था। मौत का ख्याल कभी उसके मन में न आया था। उस मौत ने आंखों के सामने उसे लूट लिया। एक क्षण के बाद तीमल ने कहा, बहू जी अब क्या देखती हो? खाट के नीचे उतार दो, जो होना था हो गया। उसने पैर पकड़ा, रतन ने सिर पकड़ा और दोनों ने शव को नीचे लिटा दिया और वही जमीन पर बैठकर रतन रोने लगी। इसलिए नहीं कि संसार में अब उसके लिए कोई अवलंब न था, बल्कि इसलिए कि उसके साथ अपने कर्तव्य को पूरा न कर सके। उसी वक्त मोटर की आवाज आई और कविराज जी पदार्पण किए। कदाचित अब भी रतन के हृदय में कहीं आशा की कोई बुझती हुई चिंगारी पड़ी हुई थी। उसने तुरंत आंखें पोंछ डाली, सिर का अंचल संभाल लिया, उलझे हुए केस समेट लिए और खड़ी होकर द्वार की ओर देखने लगी। प्रभात ने आकाश को अपनी सुनहली किरणों से रंजित कर दिया था। क्या इस आत्मा के नवजीवन का यही प्रभात था? अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 1। धन्यवाद।